हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सपोज एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये 2 है, 5 है, 8 है और 11 है, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? तो आप ज़रा सोचिए और बताइए कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। आई होप आप सब ने करेक्ट चूज़ किया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने देखा ये 3 से इंक्रीज़ हुआ, 2 था 5, फिर ये 3 से इंक्रीज़ हुआ 8 हुआ, फिर ये 3 से इंक्रीज़ हुआ, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी, 3 से ही इंक्रीज़ होगी। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 11 में 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14, और उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 14 में 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 17। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो सीरीज़ है आपकी उसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है वो सेम नंबर से हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा बढ़ेगी, माइनस में भी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12, 8, 4, 0 ऐसो, ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कितने का 4 का, -4, यहाँ भी हमने क्या किया -4, यहाँ भी हमने क्या किया -4। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ वाले टर्म का जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। तो इसकी टर्म्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, A1, A2, A3, A4, SON, AN तक, मतलब nth टर्म तक। अब हमें नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी, ओके। तो इसमें जो इनके बीच का गैप होता है ये क्या होता है, D, विच इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, या फिर हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, सार्ग अंतर, ओके। तो ये कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, मतलब नेक्स्ट टर्म में से आप उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डी निकल के आ जाएगा। अब जैसे इस AP के अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म तक निकाला हुआ है, अब मैं आपसे पूछूं इस AP का 50th टर्म क्या होगा, 50वां पद जो है वो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके उसको जोड़ेंगे, या फिर मैं बोलूँ इन सबको ऐड करके क्या आएगा, तो आप एक एक करके उनको जोड़ते चले जाएंगे, या फिर 50th टर्म मतलब एक एक करके वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट उस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AN का फॉर्मूला, यानी कि वैल्यू ऑफ nth टर्म, जैसे अभी मैंने बोला कि जो लास्ट में हमने AP पढ़ी उसकी 50th टर्म क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं AN, A+N-1 × D। और अगर इन सारी टर्म्स का हमें क्या करना हो, सम निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, N/2, 2A+N-1 × D। और SN का एक और फॉर्मूला होता है, SN = N/2A+AN। तो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि NCERT का नहीं है, आउट ऑफ NCERT है। अब जो NCERT में क्वेश्चंस होते हैं वो तो फिर भी आप एक बार को कर लेते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वही मोस्टली आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम फाइंड करना, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, SN का लगेगा, ओके। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता चाहिए नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या, ये होते क्या हैं, आपने पढ़ा होगा वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फाइनाइट तक जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और एक और क्या होता है, होल नंबर, जो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर का ही सम निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चाहिए SN का निकालने के लिए, A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए। तो A क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी किसी भी AP की, वो क्या होती है, A। तो A की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई। और D क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से उसके जस्ट बिफोर वाली टर्म आपको क्या करनी है, माइनस, तो वहाँ से क्या आता है, D। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1 = 1। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका A और D सेम ही हो। तो A के आगे यहाँ पे हमारे पास 1 और D के आ गया 1, ओके। अब क्या चाहिए हमें, n चाहिए। अब इसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स मतलब हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये कहाँ तक लेने हैं, हमें n तक लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं ये, n तक जा रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे,
एन ही हो गई, कितने टर्म्स ले रहे हैं हम, एन टर्म्स ले रहे हैं। तो फॉर्मूला पुट करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी इज इक्वल्स टू एन, क्या है यहाँ पे हमारे पास एन, एन ही है क्योंकि हमें एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना था, अपॉन टू टू ए टू इन टू वन प्लस एन माइनस वन, एन क्या है एन ही है, माइनस वन इन टू डी की वैल्यू भी क्या है वन, तो इन टू में वन विच इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू। अब टू इंटू वन क्या होगा, टू प्लस एन माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एन माइनस वन ही आ जाएगा। ओके तो एन अपॉन टू, अब ये देखो ये टू है ये माइनस वन है, प्लस माइनस माइनस, टू में से वन जाएगा क्या बचेगा वन प्लस एन। तो अगर इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिख दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एन एन प्लस वन अपॉन में टू। सो द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यानी कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का जो योग है आपका वो क्या आता है, एन एन प्लस वन अपॉन में टू, और दिस इज योर आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी आर थ्री के माइनस वन थ्री के प्लस फाइव एंड फाइव के प्लस वन। हिंदी में क्या बोल रहा है, यदि थ्री के माइनस वन थ्री के प्लस फाइव और 5k के प्लस वन किसी AP के प्रथम तीन पद हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, 3k के माइनस वन थ्री के प्लस फाइव फाइव के प्लस वन, ये थ्री टर्म है हमारी किसी AP के, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a1 वन ए टू ए थ्री। अगर ये फर्स्ट थ्री टर्म ना बोले और कोई बोले कॉन्जिक्यूटिव टर्म है या क्रमागत पद है तो भी आप इनको a1 a2 और a3 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसमें करना क्या है देखो, अगर ये ए पी है, ए पी मतलब अरिथमेटिक, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें पता है कि ए पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। इसके अंदर देखो हमें पता है कि अगर कोई AP है तो उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम, यानी कि A2 माइनस A1 जो आएगा वही A3 माइनस A2 आएगा। तो इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है K की। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमें पता है A2 माइनस A1 इक्वल टू आने वाला है किसके, A3 माइनस A2 के। क्यों, क्योंकि ये भी D है और ये भी D ही आएगा, डिफरेंस आएगा इनके बीच का, और D क्या होता है AP के अंदर, सेम होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, मतलब साथ वाले टर्म्स का जो d होगा यानी कि डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब a2 की वैल्यू क्या है, 3k प्लस 5 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, 3k माइनस 1। अब बाहर माइनस है ना, इस वैल्यू को कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल्स टू a3 क्या है 5k प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ मर्जी आपकी, माइनस a2 की वैल्यू क्या है 3k प्लस 5, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है हमें, ब्रैकेट, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, 3k प्लस 5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 3k माइनस का हो गया, लेकिन ये माइनस का 1 है और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या आ गया प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1 है इधर, सेम है यार, प्लस माइनस माइनस 3k और प्लस माइनस माइनस 5। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस का 3k है और ये माइनस का 3k है, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये 5k और ये 3k, प्लस माइनस माइनस, 5k में से 3k जाएगा क्या बचेगा 2k, अब ये प्लस 1 है और ये माइनस 5 है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का, तो साइन यहाँ पे 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब प्लस माइनस माइनस, एक में से 5 जाएगा या 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 5 और 1 क्या होता है 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 4, 6 ये प्लस का 4 है 2k के साथ, हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस का 4 है किसका हो जाएगा प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू 2k। अब 6 और 4 क्या होता है 10, और ये 2 का है k के साथ मल्टीप्लाई में, हमें से वैल्यू किसकी निकालनी है k की, तो ये 2 का चला जाएगा डिवाइड में विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ k, क्योंकि 2 कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया, और k की वैल्यू क्या आ गई 2 से, इसको कैंसिल करेंगे 10 को तो 5। तो इसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k के ये तीनों क्या हों किसी AP के फर्स्ट थ्री टर्म हो, तो k की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन के अंदर 5 होगी तो ये तीनों क्या होंगे किसी AP के फर्स्ट थ्री टर्म होंगे, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा।